अब आगे बता रहे हैं आपको, जब जागे तो किधर की ओर मुख करके जागना चाहिए। देखो आप जानते हो कि साइंटिफिक कारण भी है और धर्म भी कहता है कि कभी पूरब की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए और दक्षिण की ओर पैर करके, आप लोग बोलते नहीं हो, लेकिन जब उठने लगे ध्यान दीजिएगा तो थोड़ा सा घूम कर उठें। तीन दिशाओं में आपका मुख होना चाहिए जब आप जागे, उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व, इधर की ओर मुख करके जागिए। उससे क्या होगा, पूर्व की ओर मुख करके जब आप जागेंगे तो आपकी आयु बढ़ती है। अग्नि दिशा, अग्नि कोण की ओर मुख करके जागेंगे, द्वेष बढ़ेगा, द्वेष ईर्ष्या बढ़ेगी लोगों से। दक्षिण की ओर मुख करके जागने से मरण माने मृत्यु का कष्ट पास आ जाता है, मृत्यु जैसे कष्ट मिलते हैं या मृत्यु सन्निकट आ जाती है। आप नैऋत्य दिशा जैसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम का कोना, उधर की ओर मुख करके जाग रहे हैं तो फिर आपको पाप बढ़ते हैं। पश्चिम की ओर मुख करके जागने से जैसे कर्म करोगे, अच्छे किए तो अच्छा फल, बुरे किए तो बुरा फल प्राप्त होगा। आप उत्तर और पश्चिम के कोने जिसे वायव्य कोण कहते हैं मुख करके जाग रहे हैं तो व्याधि बीमारियां बढ़ेंगी। आप उत्तर की ओर मुख करके जागेंगे पुष्टि बढ़ेगी माने समृद्धि बढ़ेगी, धन बढ़ेगा। और उत्तर पूर्व ईशान कोण भगवान शंकर के कोने की ओर मुख करके जागने से शक्ति बढ़ती है। सज्जनों बोलो राधे राधे। एक बात आपको प्रारंभ में कह दें, शिव महापुराण में भी आगे भी ये सब वर्णन बहुत आने वाले हैं। शिव महापुराण बहुत प्रैक्टिकल है और ये शास्त्र हमको बहुत प्रिय है, इसलिए प्रिय है क्योंकि यहां हमारे प्रैक्टिकल जीवन को भी समझा गया। भागवत भक्ति शास्त्र है, जब सब ओर से व्यक्ति निराश हो जाए भागवत जी की शरण में आए, केवल भक्ति की चर्चा है। कामनाओं की पूर्ति के लिए ज्यादा चर्चाएं भागवत जी में नहीं की गई, की गई हैं लेकिन अधिक चर्चाएं नहीं। दो पुराण, एक शिष्य महापुराण और एक अग्नि पुराण, इन दोनों में कहा गया कि भक्ति जितनी आवश्यक है साथ साथ धन भी तो चाहिए, घर में सुख शांति भी तो चाहिए, संतान नहीं हो रही है उसकी चिंता लगी हुई है, मन नहीं लगेगा पूजा पाठ में वो भी तो चाहिए, विवाह नहीं हो रहा है बेटे बेटी का तो वो भी हो जाए, आपकी कामनाएं भी पूर्ति होती रहे। कहा ना भूखे भजन न होए, हाँ ये लो अपनी, आपका पेट भरा रहेगा तो भजन में भी मन लगेगा, कामनाएं भी पूरी रहेंगी, सुखी भी रहो और भजन भी करते रहो। तो आज कामनाओं की चर्चा बहुत ज्यादा होने वाली है, लेकिन आपको ऐसे याद नहीं होगा क्योंकि आप पेन डायरी लेकर नहीं बैठे हुए हैं, इसलिए आपको करना ये पड़ेगा बाद में जब घर जाओ, आज कल परसों 9 दिन बाद, तो आज की कथा को ध्यान से पुनः सुन लीजिएगा और डायरी पेन लेकर बैठिएगा, जो जो बात समझ में आए सरल हो उसको लिख लीजिएगा। बोलिए राधे राधे। आज उपाय बहुत बताई जाएंगे लेकिन काली मिर्च यहाँ रख दो और कील वहां गाड़ दो और बेलपत्र शहद में डुबो दो, ये नहीं होगा। बोलो राधे राधे। हम आपको जो भी उपाय बताएंगे भयंदर वालों वो प्रमाण सहित बताएंगे, शिव महापुराण में नहीं लिखा होगा एक भी प्रमाण, हम व्यासपीठ से नहीं बोलेंगे और बोलेंगे तो श्लोक सहित और अध्याय संख्या सहित बोलेंगे। बहुत सारे उपाय आने वाले हैं। अरे क्यों टोटकों के चक्कर में पड़ते हो भैया, इधर उधर भटके चले जा रहे हो, लाल किताब में क्या लिखा है, रावण संहिता में क्या लिखा हुआ है, केवल वो है, लाल किताब ले आओ घर पे, सारे टोटके लिखे हैं उसमें, ज्यादा चक्कर मत पड़ो। शिव पुराण के क्या वेदों पुराणों में शक्ति नहीं रही क्या, बोलो क्या टोटका करने की जरूरत पड़ेगी। लोग तो शकुन अपशकुन में इतने ज्यादा फंस गए, घर से निकलते हैं तो कोई महिला खड़ी कर देते हैं, जल का कलश भर के खड़ी रहना सामने, शकुन हो जाएगा। शकुन अपने आप होते हैं, जो पहले से प्लानिंग करके किया जाए वो शकुन अपशकुन नहीं होता। बोलो राधे राधे। हाँ आइए, गृहस्थी के लिए कहा
कि वो नित्य दान करे। दान का बहुत खंड है, लेकिन दान की चर्चा हम सबसे कम करते हैं, क्योंकि इसमें है अध्याय छोड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए हमने आपको बोल दिया कि दान खंड है। बाकी दान की चर्चा हम कथा में करते नहीं ज्यादा। अगर सामर्थ्य हो तो कहा है, अपने द्वारा कमाए गए धन के तीन भाग करें, एक धर्म के लिए रखें, एक व्यापार को बढ़ाने के लिए करें और तीसरा अपने भोग के लिए रखें। लेकिन चाणक्य कहते हैं एक चौथा भाग और करिए। चाणक्य अपनी नीति में कहते हैं उसको बचाकर रखिए, जब जरूरत पड़ेगी तब काम आएगा। और ये बात भी आज के हिसाब से बहुत प्रैक्टिकल है। देखो, धन बुरा होता तो शिव महापुराण में इसकी चर्चा होती क्या? बोलो, आपको बताया जाता कि धन कैसे मिलेगा? धन में बुराई नहीं है, गलत तरीके से धन कमाना बुरा है, गलत तरीके से गलत चीजों में धन को खर्च करना बुरा है, धन बुरा नहीं है। बोलो राधे राधे।